जी अस्सलाम वालेकुम। ये PCBIL लोधरा से रहमत भाई ने भेजी है। ये हमने कम्युनिकेशन करके इसे मुकम्मल किया है। तो इसमें ये देखें कि E7 का एरर ये आ रहा है इसमें, और इसकी ये लाइट भी देखें E7 में ये देखें ब्लिंक कर रही है। तो इसके अब देखते हैं ये किस वजह से E7 इसमें है। तो इसके अब करता हूँ मैं ऑफ रिमोट से। ये देखें मैंने ऑफ कर दिया। अब इसमें E7 का एरर देखें मैंने ऑफ कर दिया है। कैपेसिटर भी चार्ज है इसके, तो ये देखें लाइट भी ब्लिंक कर रही है बार बार। लाइट ऑफ हो गई है, कैपेसिटर इसके डिस्चार्ज कर देते हैं हम खुद। तो इसमें E7 का जो एरर है ये किस वजह से आता है अभी देख लेते हैं इसे। तो ये देखें जी, पकड़ें जी इसको। इसमें ये देखें कि सबसे पहले हमने इस कंडीशन में ये कपलर लगे होते हैं इसके, तो इसको चेक करते हैं। पकड़ें जी इसको, खोलें, पहले मैं खोलता हूँ। तो इसको मेरी E7 की काफ़ी वीडियो पड़ी हैं, पर आप ये देख रहे हैं तो इसमें मुख्तलिफ फॉल्टों की और भी E7 में पड़ी हैं हायर में, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये लोधरा से रहमत भाई ने भेजी है लोधरा से। तो ये देखिए इसमें जी, सबसे पहले जो है सर्किट है इसमें, तो ये मैं निकाल लेता हूँ बाहर। तो इसमें देखते हैं कि ये किस वजह से E7 का एरर इसमें दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम इसके सबसे पहले यहाँ पे ऑटो कपलर ये लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पे ये देखें कपलर लगे हुए हैं ये वाले। तो सबसे पहले मैं इसके कपलर देखूँगा कि आया कपलरों में तो मसला नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इस कंडीशन में कपलरों का ही मसला होता है और मसले बाद में आते हैं, फिर कपलर देखते हैं इसके। तो यहाँ पर इसके कपलर लगे, मैं आपको भी कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो इसको पहले यहाँ से निकालते हैं अभी, तो इसको क्योंकि कम्युनिकेशन उतारेंगे तो फिर वक्त ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसको ऐसे ही हम कर लेते हैं, कोशिश करके इसको रिपेयर। अभी E7 का एरर है इसमें, तो ये देखें यहाँ पे इसके, ये देखें जो कपलर दो लगे हुए हैं ये नज़र आपको आ रहे होंगे, ये देखें ये कपलर इसके यहाँ पे हैं। तो इस कपलर को मैं पहले चेक करता हूँ मीटर से। इसको लगाते हैं हम डायोड मोड पे, ये मीटर भी साथ दिखाना। ये देखें कपलर पहले गाते हैं, कपलर पे पूरी वीडियो मेरी पड़ी है तो आप वो भी देख सकते हैं। ये देखें अभी ठीक है ये भी, और जो जो रिसीविंग का है इसका होता है उसको चेक करते हैं। ये देखें ये वाला, ये डेड है हमारा कपलर, ये वाला कपलर डेड है। तो इसको हम इधर दिखाएं जिसको कपलर को, ये देखें ठीक है, ये कपलर जो है फुल जूमिंग करके दिखा दें, ये कपलर जो है ये डेड है, ये वाला कपलर हमारा डेड है। तो अब मैं इसको चेंज करता हूँ, चेंज करने के बाद देखते हैं कि ये एरर जो है ये रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। तो ये वाला कपलर लगे हुए हैं ये देखें दोनों, तो ये इसके, ये देखें आप यहाँ पे ये वाले कपलर हैं। तो ये चेंज करके देखते हैं अभी हम इसको, कैमरा ऑफ चेंज करता हूँ मैं अभी ज़रा, तो वीडियो ज़रा छोटी बन जाए। ये कपलर हमने कर दिए चेंज अब इसके, तो इसको चला कर देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन जो हमारी हो रही है या नहीं, या ये देखें प्लग इन मैंने कर दिया इसे। तो ये देखें अभी इसमें ये देखें, और ये इसको टेम्परेचर इसका सेट टेम्परेचर 16 है, तो ये मैंने इसको ये देखें नज़र आपको आ रहा होगा, तो ये देखें ये है। तो अब ये चलेगी, तो देखते हैं कि इसमें जो एरर है वो रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। E7 के एरर में थी ये, अब ये देखें ये इसमें लाइट आ चुकी है। तो जूँ ही कंप्रेसर ऑन होता है तो देखते हैं अब इसको हम, क्योंकि इसके एरर जो है E7 का एरर था इसमें, ये अभी कवर हुआ है या नहीं। उम्मीद है कि ये देखें अब ये E7 का एरर नहीं आया, ये मोटर भी हमारी जो है ये ऑन हो चुकी है इंडक्शन। तो अभी ओहो ये और कोई एरर आ गया। अब ये देखें ये जी F3 का एरर आ गया अब इसमें, F3 ये देखें, अब F3 का एरर जो है ये देखें, F3 का एरर है। तो अब ये देखते हैं कि F3 का एरर, तो मॉड्यूल का एरर होता है, ये मॉड्यूल लगा हुआ है, इसका एरर F3 होता है। तो इसमें देखते हैं अब, चेक करते हैं, पहले इसे करते हैं हम ऑफ, ये मैंने ऑफ कर दिया है। तो अब इसे मैं निकाल देता हूँ, तो जूँ ही F3 का एरर जो है ये इसमें देखते हैं अब क्यों आ गया। इसको अब करते हैं हम डिस्चार्ज पहले सबसे, ये देखो डिस्चार्ज मैंने कर दिया है। अब इसका सारा कुछ ये निकालते हैं, तो निकाल के आपको दिखाते हैं कि ये क्यों आया F3 का एरर। ये देखें जी, ये इसका कैपेसिटर ये हमारे निकाला है, ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये हल्का सा ऊपर से देखें, ये थोड़ा सा ना जी देखें
फूला हुआ है ये तो। और ये हमने अब चेंज किया, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें 50, ये देखें कितना इसका, ये देखें ज़रा मैं चेक का आपको कराता हूँ अभी। ये देखें कि ये कितना है जी, ये देखें। हाँ जी कितना था जी अभी दिया था आपने? पच्चीस हाँ जी पच्चीस 25 माइक्रोफेरेड में, 22 माइक्रोफेरेड है, 50 में है। तो इसको मैं रखता हूँ इधर। तो ये चेंज किया था इसका अभी हमने, कहाँ पे रहा इसका। और ये देखें, ये दूसरा मैंने कैपेसिटर गलती से उठा लिया, निकाला था अभी, तो ये लगा हुआ, ये चेंज किया अभी मैंने इसका, ये देखें। और ये है जी अपने 25 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड में है। और ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ऊपर से थोड़ा सा देखें, ये फूला भी हुआ, ये देखें ठीक है। वो गलती से मैंने उठा लिया था, वो साथ निकाल के रखा तो वो साथ था। तो ये हमने इधर लगाया है, मैं आपको आपको ये भी दिखा देता हूँ। F3 का इसकी वजह से आ रहा था। तो ये देखें कि यहाँ पे मैंने इसको लगाया है, तो इसको लगाया है, तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये लगाया है, इधर लगाया है ये। तो ये हमने लगाया कैसे है, ये इस तरह आपको मैं अभी बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने ना इसके ऊपर ही लगा दिया, ऐसे लगा दिया है। अगर मैं नीचे से निकालता तो ये इसमें लगी हुई थी ना, पेस्ट वगैरह लगी हुई थी सब कुछ, तो मुझे नीचे से उतारना पड़ना था ये सब कुछ, इसका पूरा मेड्यूल उतारना पड़ना था। इतनी जल्दी नहीं उतरता, ये सारा मेड्यूल उतार के फिर लगना था। तो ऐसे कोई मसला नहीं आता कुछ भी। तो ये देखें, मैंने इसको ऊपर ही से, ये देखें ज्वाइंट इसका लगा दिया है ये, और ये ओके हो गया। अब चला के देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। लेकिन ये फूल चुका था, ये देखें ऊपर से, ये नज़र आ रहा हो आपको, फिर दिखा देता हूँ आपको। ये हल्का सा ऊपर से ना, ये देखें फूल गया था। इसलिए F3 का एरर जो है, E7 का एरर कपलर की वजह से, और F3 का एरर जो है ये इसकी वजह से आया। तो ये हमने कवर कर दिया, अब चलाते हैं हम। तो चला के मैं देखता हूँ कि ये स्विच तो है, दिखाएं जी जल्दी करें ज़रा। ये मैं इधर लगाता हूँ, अब प्लग इन करता हूँ। तो ये देखते हैं हम कि अभी ये इसमें से ये F3 का एरर है वो भी रिमूव हुआ कि नहीं। तो ये मैंने कर दिया प्लग इन, तो अब रिमोट से ये देखें मैं करता हूँ ऑन। ये सेट टेम्परेचर इसका 16 है, ये देख लें आप, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी ये लोधरा से आई है, रहमत भाई ने बेची थी, तो इसलिए मैंने ये मुकम्मल हो अभी रह गया। इसको ऑफ़ करें आप, ज़रा ऑफ़ करें, इधर रह गया अभी, तो काम रह गया इसका, ये लगाया नहीं हमने। इसको दोबारा डिस्चार्ज करें, सॉरी सॉरी जनाब, ज़रा माजरत, क्योंकि ज़रा जल्दी होती है वीडियो की, तो इस वजह से। ये देखें, पकड़ें जी इसको, इसको ज़रा कैमरे को कंट्रोल करें। ये देखें जी, ये लगेगा यहाँ पे अब, तो मैं भूल गया था, ये मैंने उतारे थे ना कैपेसिटर चेंज करने के लिए, तो मुझे याद नहीं रहा, तो ये रह गया था इसका लगाने का। ये देख लें भाई, ये लगेगा, सॉरी ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये UVW है कंप्रेसर के लिए, ये रह गया था, लगा नहीं सका था, मुझे याद नहीं रहा। तो ये अब मैंने लगा दिए हैं, अब देखते हैं इसे कि ये जो है, ये अब लगाते हैं कुछ चीज़ और तो जाके जी देखना जी, ओके है सारा। चलो ये कैपेसिटर का चेंज किया ना, इसलिए रह गया। तो ये अब मैं प्लग इन से करता हूँ, तो यूं ही होता है। तो मैं ये देखें, ये 16 सेट टेम्परेचर इसका 16 है, तो ये देखें ये चल रहा है। अगर किसी भाई ने काम कराना हो, ट्रेनिंग लेनी हो, तो रब्ता कर सकता है। ये देखें कम्युनिकेशन इसमें हो रही है। तो अब कुछ देर के बाद ये मोटर ऑन होगी, फिर ये और ये कंप्रेसर चलता है, तो वो भी आपको दिखाते हैं जी। कि इसमें दो एरर थे, एक था E7 और F3 एरर। दो पहले F जो हमने E7 क्लियर किया, तो उसके फ़ौरन बाद F3 आ गया। और ये देखें, ये मोटर इंडोर की मोटर जो ऑन हो चुकी है, तो अब देखते हैं बाकी। अभी से हम बाकी अभी जो ऑन होता है, तो बस थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। मेन चीज़ देखने वाली होती है कम्युनिकेशन। ये देखें जो ये हो रही है, जिसका मतलब होता है कि ये ठीक है। पहले इसकी जो ही ये मोटर की स्पीड बढ़ेगी, पहले थोड़ी सी स्लो चल रही जैसे बढ़ेगी, तो उसी वक्त ये ऑन हो जाएगी जी। और ये देखें, ये आपकी जो है ये आउटडोर की भी ऑन हो गई है, और ये देखो हमारा कंप्रेसर जो है, ये भी आपने देख लिया, ये भी ऑन है। ये देखें कंप्रेसर भी ऑन चुका हो चुका है। इसमें एरर था E7 और F3, दो एरर इसमें थे, जो हमने इनमें दोनों रिमूव कर दिए हैं। ये PCB हमारी ओके है, लोधरा से भाई ने भेजी थी, रहमत भाई ने, ये बिल्कुल ओके है उनकी PCB। ये इंडोर मोटर और ये आउटडोर मोटर चल रही है इसकी, और ये कंप्रेसर इसका ओके है। शुक्रिया जी वीडियो देखने का आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जी, खुदा हाफज़।